सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये वीडियो सिर्फ ये जानकारी के लिए है कि कई बच्चे पोर्ट्रेट्स में वीडियो फुल स्क्रीन में नहीं देख पा रहे थे, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया। हालांकि मेरे वीडियोस में पूरी सेटिंग्स हैं, पर फिर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम जा रही है। मुश्किल से 5% बच्चों को ये प्रॉब्लम जा रही होगी। तो बहुत ही सिंपल वीडियो है, जिसमें जो है जो बच्चे फुल स्क्रीन पर मेरा वीडियो नहीं देख पा रहे, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये वीडियो। बाकी सब बच्चे तो फुल स्क्रीन पर पोर्ट्रेट कंडीशन में मेरा वीडियो देख पा रहे होंगे। तो इसलिए मैंने स्क्रीन मोड पर इस वीडियो को बनाया है, ताकि आपको पूरी प्रोसेस बता सकूँ। तो सबसे पहले तो आप ऑटो रोटेशन ऑन कर लीजिए। ये ऑटो रोटेशन मेरे में ऑलरेडी ऑन है, इसको ऑन कर लीजिए, ठीक है ना। कोई भी मेरा वीडियो ओपन कर लीजिए, और बस ये वाला जो एक रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है जहाँ पर ये सेकंड चलते हैं, इसको आप क्लिक कर लीजिए और फिर ये प्ले बटन दबा दीजिए, ठीक है ना। और जैसे ही आप इसको आगे देखते हैं, तो ये देखिए प्ले बटन के बाद ये चालू हो जाएगा। और ये कहाँ तक आप लोग को कूल किया गया है, ये 450 कैलोरी पावर 5। तो ये आपको फुल स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है। अब कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम जाती है कि ये जो क्वेश्चन है सर, आपके ये अच्छे से नहीं दिखते हैं, ठीक है ना। तो मैं कई वीडियोस में ही बता चुका हूँ, और आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि क्वेश्चंस आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरे वीडियोज़ में क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सॉल्यूशंस में सब कुछ बता रहा हूँ आपको, हिंदी में बता रहा हूँ कि उस क्वेश्चन में किया दिया क्या है। फिर मैंने ये क्वेश्चंस क्यों रखे हैं, ये क्वेश्चंस सिर्फ इसलिए रखे हैं ताकि आपको अंडरलाइन वैल्यूज़ के नीचे अंडरलाइन खींच खींच कर मैं ये बता सकूँ कि ये वैल्यूज़ दी गई है क्वेश्चंस में। ये अंडरलाइन जिन जिन वैल्यूज़ के नीचे खींचता हूँ, ये इसलिए करता हूँ कि ये वैल्यूज़ दी गई है, बाकी आपको क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। हाँ, अगर आपको लगे कि क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, जिन लोगों को लगता है वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, बट क्वेश्चन पढ़ने का कोई इतनी वैल्यू नहीं है मेरे वीडियोस में। मैं ऑलरेडी सब कुछ बता रहा हूँ। दूसरी बात, आपको ये बोलना था कि आप लोग कैलकुलेटर्स लेकर बैठिए और मेरे साथ में कैलकुलेट करते जाइए, ठीक है। कैलकुलेट आप करते रहेंगे तो ही आप मेरे वीडियोस का फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर आपने कैलकुलेट नहीं करा तो मेरे वीडियोस का फ़ायदा आपको इतना नहीं मिलने वाला, ठीक है। देखने से सिर्फ आपको वीडियोस सिर्फ अप्रोच मिलेगी, लेकिन कैलकुलेशन से स्पीड मिलेगी। और ये जो एग्ज़ाम है वो एक्यूरेसी, स्पीड और अप्रोच का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अप्रोच से भी कुछ नहीं होता, एक्यूरेसी से भी कुछ नहीं हो सकता, और स्पीड से भी कुछ नहीं हो सकता। तीनों का एग्ज़ाम है ये। तो आप कैलकुलेटर लेकर बैठिए और तभी मेरे वीडियोस जो है आप देखिए। और मेरे सारे वीडियोस हमेशा फ्री रहेंगे, मेरा चैनल कभी भी पेड नहीं रहेगा। और आप मेरे सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस इसमें डालेंगे, मतलब लास्ट 20 इयर्स के गेट के क्वेश्चन पेपर्स इसमें डालेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको इसमें अपलोड करके दूंगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये आपके बेनिफिट के लिए चैनल फ्री है, कभी भी ये पेड नहीं होगा। और बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चंस को, ठीक है। और आप बस इसको देखिए और कैलकुलेशंस करिए। जो मैंने अभी वीडियो बनाया है सीक्रेट्स ऑफ गेट करके, उसको आप ज़रूर देखिए। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो बनने जा रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो है मेरा कि मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में, अबाउट 16 इयर्स के एक्सपीरियंस में, जब मैं बच्चों से बोलता था, उनको गेट के लिए मोटिवेट करता था, तो चार चीज़ें मुझे सुनाई देती थी। पहली बात, कुछ बच्चे बोलते थे कि सर हमारे पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं है। दूसरी बात, बच्चे बोलते थे सर हमने तो 4 साल की इंजीनियरिंग में कभी पढ़ाई की नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट बहुत वीक है। तीसरी बात कि सर हम हिंदी मीडियम से हैं, ये भी बहुत रेयर केसेस में बच्चे बोल लेते थे, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम इंग्लिश में पास करने के बाद ही बच्चे ये बोल देते थे, ठीक है ना। दूसरी बात कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम कि सर मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं है, गेट तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, हम कहाँ से क्लियर करेंगे। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसके लोगों में ये चारों प्रॉब्लम्स लिखी होगी, और नो प्रॉब्लम, मतलब इन सब चीज़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरा आपको बताऊँगा कि करना क्या है, ठीक है ना। और सबसे पहली बात कि जिनके पास कैलकुलेटर्स नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स नहीं है,
तो वो ख़रीद लें साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, नहीं तो कुछ बच्चे सिर्फ मोबाइल से ही काम चलाते हैं। नहीं नहीं, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अपने पास रखिए कैलकुलेशन करते वक्त, ठीक है। और अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं ख़रीद रहे हैं तो मोबाइल में गेट वाला जो कैलकुलेटर का ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए, दोनों अच्छी चीज़ें। अब वो मोबाइल से कैलकुलेट करने में ये रहता है कि आप वीडियो भी देख रहे हैं, फिर मोबाइल से कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। इसलिए मैं आप सबको साइंटिफिक कैलकुलेटर रखने की सलाह दे रहा हूँ साथ में, ठीक है। और बिना कैलकुलेटर्स के आपका काम नहीं बनने वाला। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और सिर्फ देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो तो बनाने ही जा रहा हूँ जो आपको बताया, और एक वीडियो में उसके ऊपर ही बनाऊंगा कि गेट 21 के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपको मेनली करने हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।